हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ बिजथन 10। आज का एपिसोड करने का पीछे ना मेरे तो दिल के बहुत करीब है वाला एपिसोड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एज ड्रॉप शिपर्स और एज ई कॉम मार्केटर्स, जब हम लोग काम करते हैं अपना, एक ही वीडियो, एक ही इमेज, एक ही सब कुछ सारे लोग यूज करने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते हैं बट फिर भी लार्जली बहुत सिमिलर सा होता है। तो वही 50 लोग वही सेम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मार्केट में जितने भी एड्स चल रहे हैं सब लोग और सारा का सारा ऑडियंस वही देख रहा होता है, और इवेंचुअली सबका कन्वर्जन रेट खराब जाता है, सबका कन्वर्जन रेट इम्पैक्ट होता है उससे। लेकिन एज मार्केटर्स, एज ड्रॉप शिपर्स गाइज, हमारा काम है मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग का वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स होता है कि क्रिएटिव्स जो होंगे वो आपके खुद के होने चाहिए। उससे नॉट ओनली आप देखोगे कि आपके कॉस्ट पर परचेज डाउन जाएगा, और साथ में वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपने खुद बनाया, जिसके ऊपर आपके राइट्स हैं, जो आप यूज कर सकते हो, और वो आपको स्टैंड आउट करवाएगा आपके स्टोर को, आपके ब्रांड को। तो मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है कॉस्ट पर परचेज का, बट उसके अलावा आपका ब्रांड बिल्डिंग में भी कितने इंपैक्ट होते हैं जब आपके खुद के क्रिएटिव्स यूज हो रहे हैं आपके एड्स में। तो आज के हम एपिसोड में बात करने वाले कैसे करके आप खुद के अपने एड्स बना सकते हैं। तो एड्स बनाने को लेकर ना कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो है कि जो आप वीडियो बना रहे हो उसका रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन कैसे होता है, मतलब कि कहां पर वो एड दिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। अब जैसे अगर इंस्टाग्राम स्टोरीज रील्स वगैरह में दिखना है तो फिर वो होगा वर्टिकल एड। अगर आपने फेसबुक फीड्स पे दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड्स पे दिखाना है, तो वो 4:5 या फिर स्क्वायर एड होता है। तो अब व्हाट इज 4:5, व्हाट इज वर्टिकल, व्हाट इज स्क्वायर, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। आपको मेनली 3 रेजोल्यूशंस के साथ काम करना है, और वो तीनों की तीनों रेजोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, बाय टेकिंग योर फोन कैमरा। हम लोग जितने भी एड शूट करेंगे ना गाइज, वो हम फोन के साथ शूट करेंगे, और हम क्या करेंगे, फोन को वर्टिकल रखेंगे जब भी हम शूट कर रहे होंगे ना। इससे क्या होता है, जो आपका फोन होता है वो वर्टिकल होता है, तो आपके वर्टिकल स्टोरी वाले एड्स तो इसी के अंदर बन गए। लेकिन क्या होता है, हम उसी को क्रॉप करके हम उसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, और उसको थोड़ा कम करके 4:5 भी काम आ सकता है। यानी एक ही आप वीडियो शूट करोगे उसको आप डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन में यूज कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली उस वर्टिकल एड को ही ज्यादातर प्लेटफॉर्म में जब डाल दोगे फेसबुक ऑटोमेटिक क्रॉपिंग भी उसका कर लेता है। तो आपके तरफ से ना आपका काम बहुत कम हो जाता है जब आप वर्टिकल शूट करते हो। ऐसे करके शूट नहीं करना, ऐसे करके करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक्चुअल रेजोल्यूशंस की बात करें तो क्या क्या रेजोल्यूशंस है वो देखो, स्क्वायर वाले जो होते हैं ना जनरली होते हैं 1080x1080 या फिर 720x720 ऐसे टाइप का। जो वर्टिकल वाले होते हैं वो 1080x1920 होता है, या फिर 720x1280 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हाइट जो होता है वो ज्यादा होता है, लेंथ जो होता है वो कम होता है, और जो आपका 4:5 होता है वो जनरली 1200x1500 या 600x750 ऐसे टाइप के रेशियोज में होता है। आपको ना एक चीज याद रखनी, एड्स बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। हम लोग अपने दिमाग के अंदर कई कई चीजें लाइक इनिबिशन से होती हैं वो हम डाल देते हैं, एंड हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, और वो जस्टिफाइड नहीं होती है। अब जैसे जब हम एड्स वगैरह देखते हैं, हमें लगता है कि यार सिर्फ एड जो ऑलरेडी चल रही उन्हीं को लेना चाहिए, उन्हीं को मॉडिफाई करना चाहिए, वैसा नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा था ना, एक एड जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट सैचुरेट नहीं होते, क्रिएटिव सैचुरेट हो जाते हैं, और स्पेशली अगर बहुत सारे लोग सेम ही क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। तो इसी की वजह से अपने अपने एड्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लगा एक एक एड को शूट करने में, एंड अप्रोक्सीमेटली अब मेरे को लग रहा है आधे से एक घंटा लगेगा एड को एडिट करने में। अगर छोटा एड है, अगर कोई 10-15 सेकंड का ऐड होता है वो आधे घंटे में हो जाएगा, आधे एक मिनट का ऐड है तो प्रॉबेबली एक घंटे में एडिट हो जाएगा। बट टोटल हमारा जो काम लगा एक घंटे से डेढ़ घंटे में, अपना पूरा का पूरा वीडियो रेडी, और एक ऐसा वीडियो जो एग्जिस्ट नहीं करता अभी करेंटली, किसी ने नहीं देखा, ये आपने खुद बनाया और आप अपने अकाउंट से रन करोगे, तो आप एक तो स्टैंड आउट करोगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको अच्छा कॉस्ट पर परचेज भी होगा, स्पेशली अगर आपने एड अच्छी तरीके से बनाया। अब एड अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं, ज्यादा टाइम लगता है क्लिप्स वगैरह ढूंढ के उनको एडिट करना साथ में, और इट इज ईजियर कि आप प्रोडक्ट मंगवाओ, एक तो क्वालिटी चेक हो जाता है, ऊपर से आप प्रोडक्ट को खुद ही अपने फोटोशूट और वीडियो वगैरह करके आधे घंटे में रैप अप कर लिया और वो अपना क्रिएटिव बना लिया आपने। मेरे को तो लगता है कि खुद का क्रिएटिव बनाना इज फास्टर एंड ईजियर देन ऐसे क्लिप्स उठा के करना। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट सा दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीन जो होने वाला है आपका वीडियो का, जो आप बैकड्रॉप वगैरह यूज करने वाले हो। अब जैसे आपने प्रोडक्ट को रखा, ठीक है, तो उसके आसपास क्या आइटम्स हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, वो अगर सीन आपने सेट कर दिया कि मैंने अपना ये वाला जो शॉट है यहाँ पर लेना है, ठीक है, आपको लिटरली लाइक कुछ एक बस प्रोडक्ट को एक टेबल के ऊपर रख दिया, वो आपका सीन है,
ठीक है, या फिर अगर जैसे कोई चीज आप हैंग कर रहे हो उसको अपने बाथरूम के ऊपर हैंग कर दे, वो सीन हो गया। ठीक है, यूज केसेस दिखाए थे बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर और स्टडी एरिया के अंदर, तो लिटरली वो सीन्स ही वो एरियाज बन गए। बाथरूम एक सीन बन गया, किचन एक सीन बन गया, वैसे टाइप का। लाइटिंग का आपको ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपर सफिशियंट लाइट आ रहा है, चाहे सराउंडिंग डार्क हो जाए उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे जो एल्यूमिनियम जूसर है, हम किचन का सीन बना सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऑफिस का भी सीन बना सकते हैं, हम लोग कुछ भी, मतलब आइडियली किचन का सीन बेटर है। तो हमने क्या किया, अपने फ्रूट्स इकट्ठे किए, फ्रूट्स काटे, इसके अंदर रखा, और जनरली क्या होता है इसके अंदर ये जो छन्नी होती है ये थोड़ी मोटी छन्नी होती है, तो आप या तो एक छन्नी रख दो ग्लास के ऊपर, उसको ऐसे दबाया और उसको पोर कर दिया। ठीक है, तो ये आपने दिखा दिया और दिखाया कितना इजीली ऐसे स्क्वीज करके हो जाता है। हम लोग कोई फैंसी लाइटिंग करके, अपने कोई अम्ब्रेला लाइट्स लगाना कुछ नहीं करना। ठीक है, जो नेचुरल सनलाइट होता है उसको यूज कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट होगा वो इट शुड बी जहां पर जिसकी तरफ लाइट पड़ रहा है, और जो कैमरा होगा वो यहाँ पर होगा। तो आपका कैमरा शूट कर रहा है यहाँ पे, लाइट सोर्स पीछे है जो कि सन है, और वो ऐसे करके दे रहे हैं लाइट। अगला पार्ट जो कि होने वाला है आपका जो स्टोरी है प्रोडक्ट का, स्टोरी क्या दिखा रहे हो आप। ठीक है, अब कई प्रोडक्ट्स के स्टोरी बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है, बट कई प्रोडक्ट्स के स्टोरी को आप अच्छे से बना सकते हो। अब जब मैं स्टोरी बताता हूँ, हम लोग ऑब्वियसली किताब नहीं लिख रहे हैं, हम लोग बस दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो एक जिंदगी में क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आता है उससे आपकी जिंदगी कैसे इंप्रूव होगी। और जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि यूज होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल सनग्लासेस खरीद रहा है और वो लिटरली सिर्फ सनग्लासेस और कुछ नहीं है, बट वो सनग्लासेस थोड़े फैंसी से कोई वुडन सा वैसे टाइप का है, ठीक है, तो आप बस लिटरली यू कैन इवन हैव लाइक, एक बंदे ने सनग्लास पहना ऐसे करके देख रहा है वो, और वो बस कूल सा सनग्लास वो दिख रहा है, तो बंदे ने खुद ही विजुअलाइज कर लिया। वही स्टोरी है कि आपने दूसरे को दिखाना है कि वो सनग्लास कितना कूल लगता है देखने में। ठीक है, अब आपके जो स्टोरीज होंगी कुछ कुछ में एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक्टर्स में कौन होंगे, आपके भाई बहन दोस्त लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उन लोगों को बोल दिया गाइज आपने ना ये करना है वो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी माइग्रेन हैट अभी तक आया नहीं ऑफिस में, बट जैसे ही वो आता है उसको लेके हम एक वो बनाएंगे, उसमें एक्टर्स होंगे, दर्द हो रहा है सर के ऊपर, वो फिर माइग्रेन हैट डाल रहे हैं, उनका माइग्रेन जा रहा है, तो वो स्टोरी विल बी अराउंड हाउ टू गेट रिड ऑफ माइग्रेन। एंड स्टोरी के अंदर जनरली क्या होता है, आप पहले दिखाते हो प्रॉब्लम क्या है, फिर आप दिखाते हो जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिखाते हो। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है, ये वाला मॉप जो होता है ना, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे छत को अगर मुझे करना है ऐसे करके, मुझे छत को क्लीन करना है, मुझे इस वाले इस फैन को क्लीन करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हार्ड टू रीच एरियाज को क्लीन करने के लिए ना ये वाला काम आता है। ठीक है, अगर जैसे, और ये कम भी हो जाता है अगर मुझे या टेबल के ऊपर साफ करना है, अगर मुझे ऐसे पेंटिंग के नीचे, पेंटिंग के साइड पे, और ये ट्राइंगल शेप में है तो ये पूरा फ्लैट ऐसे करके भी फ्लैट भी हो जाता है। तो ऐसे करके लाइक जो भी लाइक इसकी है, सिंपल प्रोडक्ट है तो मॉप, ठीक है, और इसके पीछे ऐसे ना ये लगा हुआ है वाइपर के लोग होते हैं कि अगर आपने शीशे का ऐसे कर किया तो ऐसे करके करोगे तो शीशा भी क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो है तो सिंपल एक मॉप विद सिंपल फीचर्स, लेकिन इसके अराउंड जो स्टोरी बनी वो ऐसा बना कि मेरे पास लाइक मेरा, मैं पहले सीन दिखा दूंगा, ठीक है, कि मेरा गंद पड़ा है सीलिंग के ऊपर, मतलब मान लो कोई चिपका हुआ है सीलिंग के ऊपर, मान लो कोई हार्ड टू रीच कॉर्नर है वहां पर कुछ गंद पड़ा हुआ है, मान लो शीशा गंदा दिखा दिया, फिर उसके बाद ये अचानक से ये मॉप मेरे हाथ में आया, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इस मॉप से श्यू 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 क्लीन कर दिया और अचानक से सब कुछ साफ हो गया। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम, द आइटम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कैसे काम कर रहा है वो, एंड कंक्लूजन है कि सब कुछ इट इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, लाइफ नो प्रॉब्लम, प्लीज। ओके, प्लीज एड मोड डिफाइन करेगा कि आप क्या स्टोरी बताने वाले हो। व्हाट आर एड मोड्स, एड मोड्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एड जो आप बनाते हो रिलेटेड टू प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के ना 5 डिफरेंट एड मोड्स आप बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एड मोड्स होते हैं, एंड दिस इज नॉट कंक्लूसिव बाय द वे, आप इसमें जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे वैसे वैसे करके आपको रियलाइज होगा और भी डिफरेंट एड मोड्स आप खुद ही इंप्लीमेंट करते रह सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूटिलिटी की, प्रोडक्ट की आपकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका है ना, दिस इज अ यूटिलिटी आइटम, इसका और कुछ काम नहीं है। जैसे इस मॉप से तो आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट मतलब चीजें दिखा सकते हो, इसके लिटरली आप बस दिखा सकते हो फ्रूट्स को स्क्वीज करना और निकालना। तो इससे क्या होता है, यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी मतलब कि मेन यूज क्या है प्रोडक्ट का, तो आपने वो दिखा दिया, मेन यूज ऑफ द प्रोडक्ट दिखा दिया, यूटिलिटी डन, तो ये एक टाइप ऑफ एड मोड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एड मोड होता है लाइफस्टाइल, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, शूज हो गए, वॉचेस हो गए, तो ये सब चीजें अगर आपको दिखाना है
इन अ रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव कि कैसा लगता है लोगों के हाथ के ऊपर, लोगों के फीट के ऊपर कैप दिखा रहे हो, कैप कैसा लगता है सर के ऊपर, और उसको एक लाइफस्टाइल शॉट होता है कि रियल वर्ल्ड में कैसा लगता है वो प्रोडक्ट देखने में। तो यूटिलिटी और लाइफस्टाइल के बाद आता है अगला टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल इज बेसिकली रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि कोई यूज कर रहा है प्रोडक्ट तो उसके लाइफ कैसे इंपैक्ट है वो नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी, है ना। हाँ, तो टेस्टिमोनियल वाला ऐड ना थोड़ा पर्सनलाइज सा हो जाता है, क्योंकि एक बंदा नरेट कर रहा है और अपने प्रॉब्लम्स खुद बता रहा है, दिखा रहा है उसका, शूट भी कर रहा है कि वो प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेन वाला एग्जांपल, वो टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक नरेशन ऑफ स्टोरी कि क्या मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रहा था, इसको यूज करके मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, इट कैन इवन गो बियॉन्ड दैट। जैसे फॉर एग्जांपल कि बिकॉज ऑफ माइग्रेन्स मेरा वर्क अफेक्ट हो रहा था, ठीक है, मेरी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। तो नरेशन ऑफ स्टोरीज कैन गो बियॉन्ड जस्ट कि क्या प्रॉब्लम था, वो आपको कैसे इंपैक्ट कर रहा था लाइफ में, वो भी है। अच्छा, अब यूज केसेस वाले जो चीज़ होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्या क्या एक ही प्रोडक्ट को किस किस तरीके से आप दिखा सकते हो। जैसे हमने देखा है कि हम एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं और वो रियल वर्ल्ड में क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम दिखा रहे हैं, एंड उससे सारा कुछ लाइक लोगों को पता लग रहा है कि ये अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। तो ऐसे करके बंदे का माइंड ब्लो कर देना कि एक ही प्रोडक्ट क्या सब चीज़ें कर सकते हैं और उनका लाइफ कितना ज़्यादा सही हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने जो शूट किया था कभी, वो एक रैक होता है जो ना चिपक जाता है दीवार के ऊपर और उसके ऊपर ह्यूमंस बने होते हैं, तो वो जो रैक है ना उसको हमने दिखाया बाथरूम की सेटिंग में, कि दिखाया कि बाथरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेसी है बाथरूम, और फिर उसके बाद उसको हमने डाल दिया ऑन दीवार, प्रोडक्ट्स को हमने डाल दिया ऑन दैट रैक और अचानक से बाथरूम क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बाथरूम सेटिंग दिखाया, किचन सेटिंग दिखाया और एक स्टडी टेबल सेटिंग दिखाया कि स्टडी टेबल गंदा पड़ा है, फिर हमने रैक लगाया और रैक के ऊपर सारा आइटम्स आ गए, स्टडी टेबल क्लीन हो गया, बिफोर एंड आफ्टर वाला इंपैक्ट हो गया। बट नॉट जस्ट इन वन यूज केस, मल्टीपल यूज केसेस आपने दिखा दिए, और सब बहुत रैपिड होता है ना, आप ऐसे करके पूरा बिल्डअप सा नहीं करता है बहुत ज़्यादा, आप बस दिखाते हो देखो मेसी है और ये क्लीन हो गया, ऐसे करके लाइक बंदे को विद इन लाइक फ्यू सेकंड्स ही पता लग गया क्या प्रोडक्ट है, और उसको अगर वो रिलेट कर सकता है विद एनी ऑफ दोज यूज केसेस, ठीक है, चाहे उसको बाथरूम के लिए ना चाहिए हो या फिर किचन के लिए ना चाहिए हो, मे बी उसको स्टडी के लिए चाहिए, तो हमने उसके साथ रिलेट कर लिया बाय शोइंग दैट यूज केस, जिससे वो खरीदेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल एड मोड जो होगा वो होगा डेमोग्राफिक। अब कई बार क्या होता है ना, एक ही प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डेमोग्राफिक को ना जब दिखाओगे तो डिफरेंट तरीके से दिखाओगे। डेमोग्राफिक बाय द वे पहले बात होता क्या है, डेमोग्राफिक होता है एक डिफरेंट एज ग्रुप, एक डिफरेंट जेंडर। मान लो आपने डिसाइड किया जी उसका टारगेट मार्केट है वो आपका है वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 50+, जो ओल्ड वुमेन है उनको आपने वो ऐड दिखाना है, तो उस केस में जो आप ऐड भी बनाओगे ना वो आप ऐसे टाइप का नहीं दिखाओगे कि यंग लोग उछल रहे हैं प्रोडक्ट को पहन के, मतलब आप ऑब्वियसली उनके से रिलेट करना चाहते हो, तो वो लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके अराउंड पूरा ऐड बनाओगे। तो जो डेमोग्राफिक वाला इक्वेशन आता है ना उसका मेन पर्पज ही होता है कि आप रिलेटेबल ऐड बनाते हो विद दैट पर्टिकुलर ऑडियंस, जिससे वो लोग जब एक्चुअली जब देखेंगे आपका ऐड उनको लगेगा यार यार बिल्कुल सही बात है। और उस चक्कर में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लिए अलग अलग ऐड बना सकते हो। अब जैसे स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, उसका हमने ऐड भी अभी शूट किया था, उन कंटेनर्स के लिए हमने तीन अलग अलग ऐड बनाने, एक हमने बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, एक हमने बनाना है होम मेकर्स के लिए लाइक वुमेन या मैन हु आर लाइक किचन जो लोग संभालते हैं, और जो थर्ड दिखाना है ओल्ड पीपल को दिखाना है। आपको एक एक करके बताता हूँ, स्टूडेंट्स को अगर दिखाना है तो हम कंटेनर्स के अंदर चिप्स डालते, मैगी डालते, यू नो डिफरेंट डिफरेंट स्नैकिंग के आइटम्स डाल देते, बार्स वगैरह डाल देते जो यंग लोग एसोसिएट कर सकते हैं, लाइक ग्रेनोला बार्स हो गए या फिर ब्रेकफास्ट बार्स हो गए, लाइक वो सब चीज़ें डाल दिया ना और वो लोग रिलेट कर पाएंगे उसके साथ। फिर अगर हमने जो आटा चावल वाला हमने बनाया था वो मेजॉरिटी जनता रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, वो एक ब्रॉड बेस्ड ऐड है। जो थर्ड ऐड होगा अगर हमने मान लो बूढ़े लोगों को टारगेट करते हुए अब ऐड दिखाना है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा इसके ऊपर, बट मान लो जैसे मेडिसिंस डाले हैं, फिर उसके बाद निटिंग का सामान डाला हुआ है, या फिर अपने उनको चेंज वगैरह चाहिए होता है साइड पे तो उन्हें कॉइन्स वगैरह रख दिए जस्ट चेंज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो उनके एज के लोगों को काम आने वाला है, जिसे अगर वो लोग ऐड देखेंगे उसको उनको लगे यार यार ये मेरे काम की चीज़ है, हाँ मेरे को इसी की जरूरत थी जिंदगी में। तो ये हैं आपके सारे के सारे ऐड मोड्स। अब ये बाय द वे दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट की यही होते हैं, अब ऑब्वियसली इनको कैटेगराइज अब अलग अलग तरीके से कर सकते हो और इसके अलावा भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स बना सकते हो। एंड बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है, आपको बस चूज करना। अगर आप सिर्फ इन पांच एड मोड्स के अराउंड स्टिक करते हो और आप इन्हीं के अराउंड बना सकते हो, उसी में आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, एड मोड्स इतने सारे हैं, ऑडियंसेस डेमोग्राफिक्स इतने सारे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एड्स बना सकते हो। जब आप शूट कर रहे हो ना तो आप फोन को कैसे एंगल में रख रहे हो,
ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप ऊपर से दिखा रहे हो कि साइड से दिखा रहे हो, ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती। एंड आपको मैं बताता हूँ जूम के बारे में भी कि कितना जूम्ड इन होगा, कितना जूम्ड आउट होगा। जूम का तो सिंपल रूल है कि आपको बस प्रोडक्ट अगर कोई स्पेसिफिक एकदम पार्ट दिखाना तभी आप जूम इन कर रहे हो, बट जनरली आपका शॉट जूम्ड आउट सही रहेगा, आपका पूरा प्रोडक्ट इन पिक्चर रहेगा और वो आप क्लियरली आप दिखा पाओगे कि हाँ प्रोडक्ट ये क्या कर रहा है, कैसे करके कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो यार ऑब्जर्वेशन से चीज़ें सीखो, ठीक है, जो भी आप सोशल मीडिया एड्स देख रहे हो बाकी लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग मान लो कोई प्रोडक्ट का ऑलरेडी एड चल रहा है तो उन्होंने क्या क्या यूज़ केसेस दिखाए हैं, उनको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेप्लीकेट कर सकते हो, वो भी होते हैं। कई सारे एड्स होते हैं जो चाइनीज में बनाए होते हैं या फिर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बनाए होते हैं, ठीक है, उनको आप इंडियनाइज कर सकते हो, जहाँ पर कैरेक्टर्स इंडियन होंगे, जो सेटिंग होगा वो इंडियन किचन या इंडियन हाउस, क्योंकि देखना तो इंडियन है, वो रिलेट बेटर कर पाएगा। अगर वो किसी गोरे को देखे कि हेडेक हो रहा है और वो हेडेक हैट डाल रहा है वर्सेस किसी इंडियन, वो रिलेट ज़्यादा बेटर कर पाएगा। तो ऐसे करके आपने इंडियनाइज करना है चीज़ों को। तो आप बेसिकली जो आप देख रहे हो अदर वीडियोज, अदर सोशल मीडिया वीडियोज ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो आप देख रहे हो टू गेट एन आइडिया क्या क्या शॉर्ट्स हैं। बाकी ऑफकोर्स मैंने आपको एड मोड्स बता दिए, मैंने आपको बता दिया आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज कैसे बना सकते हो, तो आप वो सब चीज़ें यूज करके अपने खुद के एड्स बनाओ। अब एक बार आपके पास सारे क्लिप्स होंगे रेडी, ठीक है, और ये जो क्लिप्स होंगे ना जितने भी आप बना रहे हो, 5 सेकंड के क्लिप्स, 10 सेकंड क्लिप्स, मतलब मैक्सिमम 15-20 सेकंड के क्लिप्स होते हैं और उनको फिर आप एडिट करते हो साथ में, आपका कोई 10 सेकंड का वीडियो हो जाएगा, 15 सेकंड का वीडियो या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको लाइक एफर्ट नहीं मारना इनटू मेकिंग, क्योंकि हम बॉलीवुड मूवीज नहीं बना रहे हैं, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपने उन क्लिप्स को कंबाइन कर देना है साथ में, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं को लेके आप फोकस करोगे कि मान लो कोई प्रोडक्ट के, मान लो आपने एक क्लिप शूट किया जो मान लो 30 सेकंड्स के आसपास का है, ठीक है, और वो 30 सेकंड्स का जो क्लिप है वो आपने पूरा का पूरा क्लिप नहीं डालना, ठीक है, मान लो 30 सेकंड में से जो एक्चुअल रेलेवेंट है वो सिर्फ 5 सेकंड का है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हमने जो बाथरूम पे जो रैक सेट किया था, ठीक है, उसके अंदर हम एक एक करके शैम्पू बॉटल, डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स को सेट कर रहे थे रैक के ऊपर, तो ओवरऑल जो क्लिप बन के आया था वो बन के आया था 1 मिनट का, क्योंकि हम पूरा दिखा रहे थे दो रैक्स कैसे करके भरे जाते हैं। बट जब फाइनल एडिट हुआ ना तो हमने कट 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 कर दिया, जिससे ओवर जो पूरा भरने वाला सीन है वो मैक्सिमम 5 सेकंड्स का हो गया। ऐसे करके हमको दिखा रैपिड चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बींग क्विक, ट्रांजिशंस वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, फेड इन फेड आउट इफेक्ट्स वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है, अगर आप वॉइस ओवर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो अगर आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, बट मोस्ट केसेस में लोग बस म्यूजिक डालते हैं। तो म्यूजिक डालने के लिए क्या होता है, बहुत सारे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लाइब्रेरीज होती हैं, यूट्यूब का भी है, फेसबुक का भी है, बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जब सर्च करोगे कई सारे फ्री होते हैं, कई सारे पेड होते हैं, अब जो आपकी मर्जी है, अगर आप पेड यूज़ करना चाहते हो उसमें आपको लाइब्रेरी बहुत बड़ी मिल जाती है, अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं वो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन है ही है। वहाँ से म्यूजिक उठा के आपने उसके अंदर डाल दिया अपने वीडियो के अंदर, जो एक अच्छा सा मैच हो, जब आप म्यूजिक भी डालोगे ना उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो जो बीट्स होते हैं म्यूजिक के, ठीक है, अब जैसे कोई कई होता ना कि एक प्रॉब्लम था, फिर प्रॉब्लम के बाद जब आपने कोई मान लो मॉप का ही ले लो, ठीक है, गंदा शीशा है, फिर आपने ऐसे मॉप को यूज़ किया और करके पूरा साफ कर दिया शीशा, वो जो वाव मूवमेंट है ना उसके अंदर बीट ड्रॉप अगर हो ना और फिर अचानक से बीट बेटर शुरू हो जाए, लाइक वो वाली चीज़ों का ध्यान रखो कि जो म्यूजिक होना चाहिए वो सिंक होना चाहिए विद द वीडियो में जो चल रहा है उसके बेसिस पे। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली, कई मैंने बहुत ऐसे सक्सेसफुल वीडियोज़ भी देखे जो बस रैंडम म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड पे, जो बस एक इट्स लाइक अ फील काइंड ऑफ थिंग देने के लिए, उसमें कोई ड्रॉप्स के साथ मैच नहीं है, उसमें कुछ वैसे नहीं, बस सिंपल से एक बैकड्रॉप म्यूजिक चल रहा है कि एम्प्टी ना लगे, बस दैट्स इट। तो दोनों चीज़ें काम करती हैं, चाहे म्यूजिक आपने ऐसे ही डाल दिया, चाहे म्यूजिक को आपने मैच किया विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वीडियो, वो आपकी मर्जी ऑफकोर्स, ठीक है, अगर आप ट्राई कर सकते हो इनिशियली मैचिंग वाला कुछ म्यूजिक मिले, ना मिले तो फिर कोई नॉर्मल म्यूजिक डाल दो वो भी चलेगा। तो गाइस जब आपको प्रोडक्ट्स मिले ना क्लाउड से, फिर उसके बाद आपने उनको लेके ऐड बनाना, सिंपल चीज़ है, बट ये इसकी अपनी हैबिट डाल दो कि आप जो भी ऐड बनाओगे वो आप खुद के अपना शूट करके बनाओगे, एक तो आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होता रहेगा, आप क्विक होते रहोगे उस चीज़ में, प्लस आप अपनी खुद की चीज़ें बना रहे हो जिसका चांस है आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कम होगा। और यार एज मार्केटर्स हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस ही तो सबसे बड़ा बर्डन बनता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, अगर वो कम हो जाए यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इन दी एंड ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हैं। बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो फाइवर के जो लोग होते हैं फाइवर पे जाके ढूंढते हैं, किसी को गिग देते हैं, उनका प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं, वो लोग प्रोडक्ट को लेके फिर अपना ऐड बनाते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है बट ऑफकोर्स उसमें पैसे देने पड़ेंगे। आप खुद मंगाते हो अपने पास प्रोडक्ट और उसका ऐड शूट करते हो, वो एक मच मोर चीपर एंड इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार आपका ही स्किल बेटर हो रहा है ना मेकिंग वीडियोज़, एंड इवेंचुअली यार मार्केटर्स अगर
मार्केटिंग वीडियोस नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, ठीक है, वो तो आपका काम है ना। क्योंकि वैसे भी यार आप इन्वेंट्री तो हैंडल नहीं कर रहे हो, आप सप्लायर से बात तो नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग वीडियोस को भी नहीं करना चाहते तो फिर आप कर क्या रहे हो, सिर्फ एड्स के ऊपर आप बजट के ऊपर नीचे कर रहे हो? नहीं। और आपको पता है कि आप कई सारे लाइक फोन वगैरह के थ्रू, इनशॉट्स के थ्रू भी एडिट कर सकते हो, तो कैनवा भी एक फ्री टूल जो आप यूज कर सकते हो वीडियोस बनाने के लिए। और ऑफकोर्स कंप्यूटर पे तो आप एडिट कर ही सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप यूज कर लो। ये प्रण हम लेते हैं कि हम आज के बाद सारे एड्स खुद से अपने आप बनाएंगे, और जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया है सब कुछ आप फोन से भी कर सकते हो, तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं है, यू हैव नो एक्सक्यूज। अब ऐसा है, अपना खुद का एड बनाना ऑब्वियसली एफर्ट तो लगता है ना। मैं एक आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देना चाहता हूँ जो लोग जल्दी से जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं। अब क्या होता है, मान लो आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, वो हफ्ते बाद आना है, बट आपको वो हफ्ता वेट ही नहीं करना। आप चाहते हो कि यार प्रोडक्ट आने के बाद ऐड शूट करूंगा, और ऐड लॉन्च करते करते 10 दिन हो जाएंगे, तो फिर मेरे को अभी के अभी ऐड लॉन्च करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम टेस्टिंग के लिए, यानी जब प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, फर्स्ट ऐड सेट्स चलाते हैं, उन टेस्टिंग के दौरान हम अपना जो प्रोडक्ट होगा उसका जो एग्जिस्टिंग एड अगर है, मान लो क्लाउड के ऊपर कई बार वीडियो एड्स चलते रहते हैं, या तो उनमें से कोई उठा सकते हैं या फिर बाकी देख सकते हैं एड लाइब्रेरी के थ्रू, या डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको पता ही है कि यूट्यूब वगैरह पे डिफरेंट क्लिप्स को कंबाइन करके बना सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, दिस इज नॉट योर फुटेज। बट रिमेंबर, ये सिर्फ हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और हमने वैलिडेट कर लिया कि टेस्ट में कि फर्स्ट फ्यू 100 रुपीज़ या मान लो आपने 1,000, 2,000, 3,000 रुपये खर्चे, आपको अच्छा कॉस्ट में परचेज मिला, आपको लगा यस इसको मेरे को स्केल करना है, तब आप अपना ऐड खुद से बना के फिर उसको स्केल करो। यानी जो स्केलिंग प्रोसीजर होगा वो आप अपना खुद के क्रिएटिव के साथ करोगे, जो टेस्टिंग होगा वो आप एग्जिस्टिंग क्रिएटिव के साथ कर सकते हो। बट रिमेंबर, ये आपका चॉइस होना चाहिए। अगर आप रैपिडली टेस्ट करना चाहते हो और आपके पास उतना पेशेंस नहीं है प्रोडक्ट आने का, कुछ दिन वेट करने का, तो तब आप ये वाला टेक्निक यूज करना। तो गाइज, हमने जो इतने सारे क्लिप शूट किए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा हम डिफरेंट डिफरेंट क्लिप शूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज का, बट उसका फाइनल आउटपुट क्या निकला, चलो आपको दिखाते हैं सारे वीडियोज जो अपन ने बनाए हैं। इस गर्मी के मौसम में फ्रेश जूस का मजा ही कुछ और है। ये ओके प्लीज का मेड इन इंडिया जूसर है। जबरदस्त क्वालिटी, हेवी और लॉन्ग लास्टिंग। संतरा, अनार, नींबू, पाइनएप्पल या वाटरमेलन, कोई भी फल हो, फल को काटो, जूसर में डालो और स्क्वीज करो। कभी भी फ्रेश जूस चाहिए, कुछ ही सेकंड्स में तैयार। साफ करना और रीयूज करना भी बहुत आसान है। शॉप नाउ बटन दबाओ, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो ओके प्लीज से। एड्स बनाने के बाद अगला स्टेप क्या है? एड्स लॉन्च करना ना। अब अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड 4 के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करके हमने फेसबुक एड्स लॉन्च करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। तो फिर आपको मैं कल मिलता हूँ।